सो गाइस, जैसा कि आज शोल्डर डे है तो मंडे को हम लगा रहे हैं शोल्डर्स। तो शोल्डर्स लगाने के पहले आपको अच्छी तरह वार्म अप करना है। आप देख पा रहे हैं मैं वार्म अप कर रहा हूँ अच्छी तरह से। शोल्डर आपको पूरा वार्म अप कर लेना है अच्छे से, तब जाके हम वेट अच्छे से उठा पाए और हमें इंजरी ना हो। आप देख रहे हैं मैं कैसे वार्म अप कर रहा हूँ शोल्डर की। आपको वैसे ही वार्म अप करना है, आपको बैक स्ट्रेच करना है, आपको लोअर बैक स्ट्रेच करना है, आपको वेस्ट स्ट्रेच करना है, आपको अपने रिस्ट को स्ट्रेच करना है। सभी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको करनी है ताकि आप रेडी हो सके वेट उठाने के लिए, वेट लिफ्ट करने के लिए हैवी। तो गाइज, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैसा कि हमने फैट लॉस का सीरीज शुरू किया था, मैंने आपको डाइट दिया और ये एक्सरसाइजेस भी है। तो अगर आप वेट गेन कर रहे हैं या मसल बिल्ड कर रहे हैं तो फिर भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा। पर आपको बस आप अपना कैलोरी आपको सरप्लस में रहना पड़ेगा। सो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी एक्सरसाइज किसी भी पर्टिकुलर फैट लॉस के लिए या मसल बिल्डिंग के लिए नहीं बना होता है, तो वो आपके डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। आप किस तरह से डाइट कर रहे हैं तो डाइट आपके बॉडी को चेंज करता है, एक्सरसाइज नहीं। एक्सरसाइज जस्ट शेप देता है आपको। तो आप अगर ये एक्सरसाइज इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। अपने मास बिल्डिंग के लिए भी आपको बहुत इफेक्टिव होगा, आप करके देख सकते हैं और वीक्स तक आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप वेट लॉस में फिर भी कर सकते हैं तो अगर आप इन एक्सरसाइजेज शोल्डर एक्सरसाइज को अगर आप अपने मास बिल्डिंग या बॉडी बिल्डिंग या मसल साइज के इंक्रीज करने के लिए करना चाहते हैं तो आपका इसमें रेप रेंज होगा 10, 8 और 6। और इसमें हम सुपर सेट्स लगाने वाले हैं तो आपको सुपर सेट्स भी करना है, वो भी आपको 10, 8 और 6 होगा। और अगर आप बिगिनर है और आपसे अगर सुपर सेट नहीं लगता है तो आपको हर एक्सरसाइजेस का फर्स्ट सेट लगाना है, सुपर सेट नहीं करना है अगर आप बिगिनर है। और अगर आप इंटरमीडिएट है तो आप तो सुपर सेट जरूर कर पाएंगे, आपको सुपर सेट करना है, काफ़ी इफेक्टिव होगा। तो है अभी हम आप वार्म अप कर रहे हैं, देख रहे हैं आप पुश अप्स लगा रहे हैं ताकि हमारा शोल्डर का फ्रंट डेड हमारा वार्म अप हो जाए, साथ ही हमारा जो एल्बो है वो भी वहाँ अप हो जाए थोड़ा सा। तो हम पुशअप्स कर रहे हैं, उसके बाद हम अपने एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे। और अभी हम ये देख रहे हैं, हम शोल्डर को मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि हमारा शोल्डर मोबाइल हो जाए और वेट लिफ्ट करने के लिए आसान हो। तो आपको भी करना है जिससे कि आपकी इंजरी होने के चांस बहुत बहुत कम हो जाए। तो ये आपको शोल्डर जब भी करें तो आप ये वार्म अप करें, एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है और आपको इसमें लिफ्ट हैवी लिफ्ट करने में भी आपको आसानी होगी, आपका मसल फ्री हो जाएगा। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप अगर मास बिल्डिंग करें फिर भी एक्सरसाइज इंक्लूड कर सकते हैं, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो आपको बस अपना कैलोरी सरप्लस में रखना है। और अभी हम अपने एक्सरसाइज मेन एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा है यहाँ पे बारबेल शोल्डर प्रेसेस। तो इसके हम 3 सेट्स लगाएंगे और 10, 10, 10 के 3 सेट्स लगाएंगे। इसके हम 10 रेपिटेशंस के 3 सेट लगाएंगे। और आप देख रहे हैं मेरा फॉर्म बिल्कुल सही है, मैंने बेंच पे बैठा हुआ है मैं और पुश कर रहा हूँ पूरे ऊपर तक और अपने अपर चेस्ट तक ला रहा हूँ बार को। तो इसके 10 रेपिटेशन लगाने, 3 सेट करने हैं। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बस ये एक्सरसाइज करना है, इसके साथ जो मैं करने वाला हूँ सुपर सेट वो नहीं करना है। तो उसके साथ सुपर सेट है आपका सिंगल हैंड, आपका डंबल प्रेस सिंगल हैंड लगाना है आपके। इसको भी आपको 10 रेपिटेशन लगाना है, 10 के 3 लगाने हैं, सुपर सेट है ये। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये नहीं लगाना है, सिर्फ आपको पहला वाला एक्सरसाइज लगाना है। और हर एक्सरसाइज का पहला सेट आपको करना है, सुपर सेट नहीं करना है। और इंटरमीडिएट ज़रूर लगाएं सुपर सेट, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये। आप मास बिल्डिंग करें या फैट लॉस करें, डजेंट मैटर, आपको जैसा गोल है आपको उसी तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमारा सुपर सेट, हम 10 रेप्स लगा रहे हैं, 10 रेप्स लगाना है हमें इसके। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है। और सेकंड एक्सरसाइज हम लगा रहे हैं अभी ये केबल साइड प्रेस। तो केबल में लगाना है, आप देख रहे हैं जो बार है, जो केबल है वो मेरे दोनों पैर को बीच से आ रहा है। इसके भी हमें 12 रेप्स रेपिटेशन के 3 सेट लगाने हैं। बार आपके पैरों के बीच से आना पड़ेगा आपके केबल को, ताकि हम अच्छा कंफ्लेक्शन दे पाए फुल अपने शोल्डर के साइड को। ये हमारे साइड के लिए है, तो हम तीनों हेड को ट्रेन करेंगे, शोल्डर्स के फ्रंट साइड और रियर हेड। तो हम साइड को ट्रेन कर रहे हैं,
इसके साथ सुपर सेट है, डंबल साइड रेजेस 12 रेपिटेशंस के 3 सेट लगाना है आपको। तो आपको जैसा कि मैंने बोला कि आप बिगिनर हैं तो आप ये एक्सरसाइज ना लगाएं, सिर्फ आप केबल लगाएं या फिर डंबल लगाएं, दोनों एक्सरसाइज ना लगाएं आप। तो उसके बाद हमारी एक्सरसाइज ये रियर डेल्ट की है, आप देख रहे हैं हमें रियर डेल्ट लगाना है। थर्ड एक्सरसाइज हम रियर डेल्ट फ्लाइज लगा रहे हैं अभी, तो ये हमारी रियर डेल्ट फ्लाइज है। तो रियर डेल्ट फ्लाइज हम लगा रहे हैं जिसके हमें 12 रेपिटेशन करनी है और 3 सेट लगाना है। इसके साथ हम सुपर सेट लगाएंगे डंबल रियर डेल्ट फ्लाइज, देख पा रहे हैं हम लगा रहे हैं डंबल रियर डेल्ट फ्लाइज 12 रेपिटेशन के 3 सेट। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये नहीं लगाना है, आपको सिर्फ मशीन में करना है। अगर कोई मुझे मशीन नहीं है तो आप डंबल रियर डेल्ट फ्लाइज लगा सकते हैं सिर्फ। तीन सेट होने के बाद हमारा लास्ट एक्सरसाइज जो है वो केबल फ्रंट रेज है। केबल फ्रंट रेज आपको लगाना है, केबल फ्रंट रेज के आपको 12 रेपिटेशंस के भी लगाना है, 3 सेट करने हैं, 12 के 3 सेट। और इसके साथ जो हमारा सुपर सेट है वो आपका होगा डंबल फ्रंट रेज, डंबल फ्रंट रेज आपका इसका सुपर सेट होगा, तो वो भी 12 रेपिटेशंस के 3 रेप लगाना है। डंबल लगाइए या आप प्लेट भी लगा सकते हैं, मैंने प्लेट लगाया है यहाँ पे, तो आप डंबल भी फ्रंट रेज लगा सकते हैं। देख पा रहे हैं मैं प्लेट लगा रहा हूँ, प्लेट फ्रंट रेज लगा रहा हूँ। आप चाहे तो डंबल लगा सकते हैं या प्लेट भी लगा सकते हैं, प्लेट आपका ज़्यादा इफेक्टिव होगा तो आप प्लेट लगाइएगा, ट्राई कीजिएगा प्लेट लगाने का। 12 रेपिटेशंस लगाने हैं इसके भी आपको। तो ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज होगा, सो थैंक यू एंड बाय बाय।